So hello students, so we are here back with our third class, that is on profit and loss appropriation account. So today we'll be discussing fundamentals. First topic we have I've considered profit and loss appropriation account. So let's continue. So as today we are discussing profit and loss appropriation account. So you can see on your screens यहाँ पर आपको 5 points दिए गए हैं जहाँ पर मैं आपको explain करूँगी कि profit and loss appropriation account होता क्या है basically. चलिए तो one by one हम अपने सारे points को discuss करते हैं further. So let's move on and we will discuss today कि भैया profit and loss appropriation account आखिरकार होता क्या है, क्या होता है, किस लिए हम prepare करते हैं, क्यों बनता है, किस use में आता है, क्या ये इतना इम्पोर्टेंट है, क्या ये बाकी पार्टनर्स के लिए है, क्या उनसे जुड़ा हुआ है. तो आइए चलते हैं पढ़ते हैं. सो लेट्स सी, हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट की आखिरकार होता क्या है. तो जैसे कि ये पहला पॉइंट लिखा हुआ है, इट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो हेंस इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. मैम क्या है इसका मतलब, क्या मैं डिटेल में बताइए. देखिए भाई सुनिए, आपको याद है आप लोगों ने क्लास 11th में लास्ट में एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम था आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. वहां पर तीन अकाउंट हम लोग पढ़ते थे, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सॉरी थर्ड वन वॉज द बैलेंस शीट. दो अकाउंट एंड आपकी बैलेंस शीट हम लोग पढ़ते थे, लेजर अकाउंट. तो वहां प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता था. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर होता था वो ईयर के एंड में प्रिपेयर होता था, ये जानने के लिए कि हम लोग कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या कितना लॉस जो है वो हम बेयर कर रहे हैं. तो अब वहां से जो नेट प्रॉफिट होता था वो क्या होता था, वो सोल प्रोप्राइटर को मिलता था. बेसिकली फाइनेंस जब हम बैलेंस शीट बनाते थे, फाइनल बैलेंस शीट, तो उसमें हम कैपिटल में उस प्रॉफिट को ऐड करके दिखाते थे. बट अगर ये तो बात हुई सोल प्रोप्राइटर की, बट अगर पार्टनरशिप फर्म की बात करें तो तब क्या होगा. अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पार्टनरशिप फर्म, तो क्या होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है सोल प्रोप्राइटर में, ऐसा पार्टनर्स में भी बनता है, पार्टनरशिप फर्म में भी बनता है, पर वहां से जो नेट प्रॉफिट आता है वो नेट प्रॉफिट हम क्या करते थे, सोल प्रोप्राइटर में कैपिटल में ऐड करते थे. पर यहाँ जो नेट प्रॉफिट होता है वो ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट के बाद, एक अकाउंट और बनाया जाता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट. तभी कहा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है, एक हिस्सा है, एक आगे का पार्ट है, किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का. तभी ये स्टेटमेंट, तभी ये बात मेंशन करके रखी जाती है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. फाइन, तो अब वहां से जितना भी नेट प्रॉफिट होता है, या अगर नेट लॉस भी हो सकता है, तो वो पार्टनर को पेयर करना होगा. प्रॉफिट है तो मिलेगा, बट कैसे. अरे भैया सिर्फ प्रॉफिट थोड़ा ना मिलता है, प्रॉफिट के अलावा कुछ और भी तो चीजें हैं, मिलती हैं. मैंने आपको जैसे डिस्कस किया था उसके पार्टनरशिप डीड में, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज हो सकता है, भैया सैलरी है, कमीशन है, ऐसी ऐसी चीजें होंगी. तो वो सब चीजें हम डिस्कस करेंगे अभी अपने अकाउंट में. तो ये होता है आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, दैट इज प्रिपेयर्ड जस्ट आफ्टर पीएनएल अकाउंट. फाइन, तो अब सेकेंड पॉइंट क्या कहता है भैया, इट इज प्रिपेयर्ड ओनली बाय द पार्टनरशिप फर्म फॉर द पार्टनर. मतलब मैम इसका मतलब क्या हुआ भाई, ऐसा है कि अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है. तो इसीलिए जितना भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. ये बेसिकली बनता ही पार्टनर्स के लिए है. जितना भी पार्टनर को कोई चीज देनी है, जैसे क्या क्या पार्टनर को मिल सकता है प्रॉफिट के अलावा, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जैसी चीजें उनसे चार्ज हो सकती है, वो सब लिखा पड़ी, वो सब चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखी जाती हैं या मेंशन करी जाती हैं. तो पार्टनर्स को कुछ प्रोवाइड करने के लिए एक्सेप्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट के अलावा जो चीजें होती हैं जो पार्टनर्स को मिलनी चाहिए उनको मिलती है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में रखी जाती है. फाइन, तो ये इसका यूज इस पर्पस में आता है. सो दिस इज योर पीएनएल. नाउ हियर कम्स द थर्ड पॉइंट, व्हिच इज दैट इट इज अ नॉमिनल अकाउंट. अब मैम ये नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या होता है भाई. देखो अगर आपको याद हो क्लास 11th में हम लोगों ने जब जर्नल पढ़ा था, उससे पहले हमने अकाउंट्स पढ़े थे, पर्सनल, रियल, नॉमिनल. पर्सनल डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, रियल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट,
रियल में सारी एसेट्स होती थी, पर्सन में आपके पर्सन रिलेटेड जितने भी नेम थिंग हो गए, डेप्टर, ग्रेटर, कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड ऑल. एंड थर्ड वन वॉज योर द मेन गोल्डन रूल, अमंग द थ्री गोल्डन रूल्स थर्ड आपका आता था नॉमिनल, जो कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कि सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट कर दीजिए और इनकम और जो गेन्स हो रहे हैं उन सबको कर दीजिए भाई क्रेडिट. तो हमारा जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है. ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट रखना है, क्योंकि आप जो आगे फॉर्मेट मैं आपको पढ़ाऊंगी इस वीडियो में पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो पूरा इसी पर ही डिपेंड करता है कि जितनी भी चीजें पार्टनर को दी जा रही हैं, फर्म पार्टनर अलग अलग कंसिडर हो गए, फर्म का खर्चा है तो वो सब डेबिट होंगी नॉमिनल के रूल के हिसाब से, क्योंकि डेबिट सारे एक्सपेंसेस फर्म के लिए वो एक्सपेंस है. और जो भी चीजें फर्म को मिल रही है पार्टनर से उन सबको क्रेडिट करते हैं, मार्क माय वर्ड, उन सबको क्रेडिट करेंगे, जैसे लाइक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग. अभी आपको फर्दर आगे इन सबके बारे में बताया जाएगा. तो इसी तरीके से आपका जो पीनल प्रिपरेशन अकाउंट होता है दैट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट. फाइन, नाउ कम द फोर्थ पॉइंट. अभी क्या कहता है कि इट शोज हाउ द नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर. ये जो भैया आपका नेट प्रॉफिट है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, मतलब अगर नेट प्रॉफिट आया है तो पार्टनर्स में किस तरीके से बांटा जाएगा, कि सारा नेट प्रॉफिट जो आया है वो सब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उनके रेशियो के अकॉर्डिंग, या फिर उनको कुछ उनका हिस्सा कोई पार्टनर सैलरी लेके जाता है, कोई कमीशन लेके जाता है, कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाता है, उसके बेसिस पे होगा. तो वो सब चीजें इसके अंदर बाइफर्केट होगी, उसके बाद ये सब चीजें देने के बाद पार्टनर्स को जो बचेगा वो भी पार्टनर्स को ही अमाउंट मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स. फाइन, तो वो प्रॉफिट्स के फॉर्म में पार्टनर को दिया जाएगा. बट मैम अगर लॉस है तो उसका केस अलग होगा बेटा, उस केस में चार्ज करा जाएगा. फाइन, अब हियर कम द फिफ्थ पॉइंट. क्या कहता है अभी, इट इंक्लूड ओनली अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स थिंग्स एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स. मैम क्या है ये दो वर्ड, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट? अशोक तो अभी 11th में सुना नहीं है, अब 12th में सुन रहे हैं. मैम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आगे के पूरे चैप्टर्स में, आगे की पूरी पार्टनरशिप में. दो ऐसे वर्ड हैं अप्रोप्रिएशन अ चार्ज दैट टेक प्लेस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. तो आप इसको अच्छे से समझेंगे इनका मतलब क्या होता है. भाई सुनिए अब ध्यान से, हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है वो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स वाली जो चीजें हैं वो लेता है, चार्ज अगेंस्ट वाली प्रॉफिट वाली चीजें नहीं लेता है. इस पॉइंट का ऐसा कहना है. मैम इसका मतलब क्या है तो बताओ, तो अभी तुम समझेंगे. मैम हमें अप्रोप्रिएशन चार्ज का मतलब नहीं पता. आइए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन टेबल दिया हुआ है इसी से रिलेटेड, हम इसके बारे में बात करते हैं. क्या कहता है ये भाई, क्या लिखा हुआ है नीचे, आइए पढ़ते हैं कि इट शो एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट व्हाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट टू वेरियस. मतलब क्या, सीधा सा बता दो भाई. देखो सीधी सी चीज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब वो चीजें जो दिखानी कंपल्सरी है भाई, कुछ भी हो प्रॉफिट या लॉस ये चीज चार्ज होनी होनी है. मैम कहां से कैसी चीजों की बात कर रहे हो बेटे, ऐसी सब चीजें चार्ज होती हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. पर ऐसी कुछ चीजें जैसे कि जो पार्टनर्स को दी जा रही है सिर्फ, उनको अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है. ऐसी चीजें पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाती है. सीधी बात, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की अगर कोई चीज है तो वो 100% प्रॉफिट हो या लॉस हो चार्ज होगी. वो चार्ज सिर्फ एक अकाउंट से होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. वो कभी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें नहीं दिखा सकते, मार्क माय वर्ड, नहीं दिखा सकते हैं. पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किसके लिए बनता है, जैसे पहले बताया था, पार्टनर्स को ध्यान में रखते हुए पार्टनर्स के लिए बनाया जाता है. तो जितने भी पार्टनर्स को देने वाली चीजें होती है जैसे सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन, ऑल दिस थिंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन सबको अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट कहा जाता है. उसी के साथ
हमने टेबल डिस्क्राइब किया, दोबारा पढ़ते हैं नेचर को. इट शो एक्सपेंसेस टू बी डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट वाइल कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और लॉस. वो खर्चे जो डिडक्ट होंगे प्रॉफिट निकालते वक्त, जब प्रॉफिट निकाल रहे या लॉस आप बेयर करो, दोनों केस में खर्चे डिडक्ट होंगे. तो कहाँ जाते हैं मैम ऐसे खर्चे, कहाँ दिखाएंगे? आइए सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा हुआ, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऐसे सब खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाए जाते हैं. तो मैम कैसे खर्चे, कुछ नाम तो बताओ. अब मैंने आपको क्या बताया था, ये खर्चे भैया चाहे प्रॉफिट और लॉस कर रहे हैं. तो क्या लिखा थर्ड पॉइंट में, इट इज नेसेसरी टू मेक चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इवन इफ देयर इज लॉस. लॉस भी हो जाए तब भी आपको, प्रॉफिट हो या लॉस हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आपको ये खर्चे चार्ज करने हैं तो करने हैं. मैम जैसे एग्जांपल दो, बड़ी कंफ्यूजन है. जैसे पार्टनर ने लोन दिया हुआ है फर्म को, उसको तुम्हें इंटरेस्ट देना है, तो फर्म के लिए तो खर्चा हो गया. अच्छा पार्टनर की कोई जगह तुमने जो है अपनी ली हुई है कि अपने फर्म के यूज के लिए, तो तुम पार्टनर को रेंट पे करते हो. तो ऐसे कुछ चीजें हो गई. ये दो सबसे मेजर सबसे बड़े एग्जांपल है, मैंने इनको हाईलाइट करा है, इसको याद रखना है क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स में सब काम आने वाले हैं. इट इज ऑल रिलेटेड टू योर न्यूमेरिकल पोर्शन, दिमाग में बिठाना है. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की मतलब ऐसी चीजें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाई जाती हैं आपकी, ऐसे खर्चे जो वहां पे डेबिट होते हैं, जो होने जरूरी हैं चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या रेंट पार्टनर को पे कर रहे हैं, ये सब चीजें चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की होंगी. वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट का मतलब ऐसी चीजें हो गई जो यहां पर सिर्फ पार्टनर्स को दी जाने वाली चीजें होती हैं वो. तो इट इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन नेट प्रॉफिट टू वेरियस हेड. वेरियस हेड मतलब पार्टनर्स में जो प्रॉफिट बांटा जा रहा है वो किस तरीके से बांटा जा रहा है, सैलरी कमीशन किस तरीके से बांटा जा रहा है, वो हो गया इसका नेचर. दूसरा क्या कहता है, इट इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखाए जाते हैं. और तीसरा पॉइंट क्या कहता है, जरूरी है नहीं है, नेसेसरी और नॉट, तो अप्रोप्रिएशन आर मेड ओनली व्हेन देयर इज प्रॉफिट. भैया पार्टनर को सैलरी कमीशन रेमुनेशन तभी मिलेगा जब प्रॉफिट है, अगर लॉस है तो पार्टनर को ये सब चीजें नहीं मिलती हैं. एग्जांपल अभी तो यार मैम आप इतनी देर से बोल रहे हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी एंड ऑल दिस थिंग, ये सब चीजें होंगी. दोबारा आई एम रिपीटिंग अगेन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको माइंड में बिठाना है आगे चैप्टर के लिए, पूरी पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट के लिए बहुत बहुत जरूरी बातें हैं. चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसी चीज है जो ऐसे खर्चे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं, अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट ऐसे प्रॉफिट जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की चीजें कुछ भी हो रीजन प्रॉफिट या लॉस, ये चार्ज होनी होनी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन या रेंट पेड टू पार्टनर. अप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट की चीजें ऐसी हैं जो पार्टनर्स को दी जाती हैं चाहे कुछ भी रीजन हो, अगर प्रॉफिट होगा सिर्फ तभी दी जाएंगी, लॉस के केस में नहीं उनसे चार्ज होती है. सो दिस इज योर होल कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन प्रॉफिट. अब अपने नेक्स्ट उसमें चलिए आगे चलते हैं. तो चलिए अब आते हैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पर और हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के फॉर्मेट की. तो अब हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं इसके फॉर्मेट की, इसके फॉर्मेट में क्या होगा, क्या हम पढ़ेंगे. ठीक है चलिए भाई. तो भाई आपका यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, मैम कैसे पढ़े, मैम कैसे याद रहेगा भाई. ये देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, यहीं पे नोट डाउन कर लेना, लिख लेना कि इट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट. अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग, इट इज बेस्ड ऑन नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल का रूल जो याद रखेगा अपने आप फॉर्मेट तैयार हो जाएगा. नॉमिनल का मतलब डेबिट सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जितने भी खर्चे हैं या नुकसान हो रहे हैं वो सब डेबिट और जितने भी इनकम या फायदे हैं वो सब क्रेडिट. पहली बात तो ये याद रखनी कि नॉमिनल पे बेस्ड होता है, फर्स्ट थिंग. दूसरी बात ये कौन बनाता है और किसके लिए बनाता है. दूसरी बात ये फर्म बनाता है किसके लिए, पार्टनर्स के लिए. तो ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो रहा है, बन रहा है. पहली बात नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड है, दूसरा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रहा है, तैयार हो रहा है. तो फर्म के लिए उसके जो भी एक्सपेंसेस हैं वो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट करेगा. फर्म के अकॉर्डिंग उसकी जो भी इनकम है वो नॉमिनल के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट करेगा. फाइन, तो उसी हिसाब से आपका पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार होगा. बस अब दो कड़ी को जोड़ दो, नॉमिनल और फर्म बना रहा है पार्टनर के लिए. तो फर्म
पार्टनर को कोई चीज देगा तो फर्म के पास तो पैसा जा रहा है, फर्म का खर्चा, तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से वो सब चीजें क्या हो जाएंगी, डेबिट। अब पार्टनर कोई चीज फर्म को दे रहा है तो फर्म का फायदा, इनकम, तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से वो चीज क्या हो जाएगी, क्रेडिट। बस उसी हिसाब से पूरा फॉर्मेट तैयार है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैम ये तो एक्सटेंशन है, पहला पॉइंट पढ़ा था ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो भी चीजें आती हैं वो क्या मैम, जो एंड में नेट प्रॉफिट या लॉस बचता है वो यहाँ ट्रांसफर होता है। तो मैम अगर नेट प्रॉफिट बचा वहां कहाँ बचता है, डेबिट साइड में, तो हमेशा अपोजिट पोस्टिंग होती है, यहाँ कहाँ लिखा जाएगा, क्रेडिट साइड में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ नेट प्रॉफिट है तो इधर ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में, अगर नेट लॉस है यानी कि अगर आपका लॉस आता है पीनल अकाउंट से तो आप डेबिट साइड में उसको पोस्ट करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट लॉस ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से। तो याद रखिएगा प्रॉफिट जब भी आएगा पीनल अकाउंट में तो कहां आएगा, डेबिट साइड, आप ट्रांसफर करेंगे पीनल अप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में, लॉस जब भी बचेगा वो पीनल के क्रेडिट में बचेगा, अपोजिट पोस्टिंग होगी तो आप करेंगे डेबिट में। अब जो जो चीजें पार्टनर्स को मिलनी है जैसे कि सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ठीक है, ये रिजर्व्स वगैरह हो गए, ये पार्टनर को सब चीजें क्या होंगी, दी जाएंगी भाई, पार्टनर्स को ये सब चीजें दी जाएंगी। और अगर मैम ऐसा होता है कि ये सब चीजें पार्टनर्स को मिलती है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल हो गया, या कोई रिजर्व जो होता है वो भी तो पार्टनर में बढ़ सकता है मैम, ये सब चीजें पार्टनर्स को मिलेंगी, फर्म दे रहा है पार्टनर को फर्म का खर्चा, इसलिए सब चीजें यहाँ पर डेबिट होगी, रीजन जाना बहुत जरूरी है। मैम एक ही पार्टनर को मिले, भाई कितने भी पार्टनर हो सकते हैं, दो से तीन पार्टनर हो सकते हैं, जितने भी पार्टनर होंगे टू सैलरीज करके नीचे ए बी सी करके लिखेंगे, उनके सामने उनका अमाउंट फिर सामने दिखाएंगे, डोंट वरी, वो भी न्यूमेरिकल हम करेंगे तो वो सब चीजें वहां कवर हो जाएगी। तो ऐसी भी कोई चीज है जो पार्टनर से चार्ज करी जाती है, हाँ जी बिल्कुल है, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर से चार्ज करी जाती है तो फर्म को तो मिल रही है, उसका बेनिफिट है, तो कहाँ दिखाएंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के नाम से क्रेडिट साइड में दिखाएंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के। तो दिस इज द थिंग, इस तरीके से हम चीजें जो है लिखते हैं, ये ट्रांसफर करते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो मैम अगर हमारा यहां से क्या बचता है, प्रॉफिट, तो क्या करते हैं मैम, अगर आप क्या करोगे टोटल, मैम कैसे करेंगे भैया, क्रेडिट से टोटल करोगे, उस क्रेडिट में से जितनी भी ये सब डेबिट की चीजें हैं, नेट आपका जितनी भी आपकी डेबिट की चीजें हैं, जैसे हम सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, रिजर्व, ये सब चीजें, तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे और टोटल में से आप डिडक्ट करेंगे। तो अगर आपका प्रॉफिट बचता है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उनके रेशो में। अब आप कहेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है, धीरे धीरे करके हम लोग सब डिस्कस करेंगे, आपको बताऊंगी। और अगर आपका बाई चांस नेट लॉस आ रहा है, बचता है, अगर नेट लॉस आ रहा है तो भाई फिर तो आपका डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, क्रेडिट का टोटल कम आएगा, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो कहाँ बचेगा, क्रेडिट साइड में, किस नाम से, ये बचेगा नेट लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस नेट लॉस को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। सो दिस इज हाउ यू विल शो ऑल द थिंग्स ओवर हेयर। तो ये था आपका पीनल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। दो बातें याद रखनी है, नॉमिनल अकाउंट पे बेस्ड होता है यानी कि डेबिट एक्सपेंसेस क्रेडिट इनकम एंड गेन, फर्म बनाता है पार्टनर्स के लिए, फर्म का जो खर्चा है फर्म को पार्टनर को देना है वो सब डेबिट, जो फर्म को रिसीव होगा वो सब क्रेडिट। तो इस तरीके से पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका तैयार होता है, जो भी आपका प्रॉफिट अगर बचेगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो प्रॉफिट्स आपका बचता है तो डेबिट, लॉस होगा तो क्रेडिट। अब कुछ आपने, अब बच्चे सोचो मैम आपने तो कहा था जब प्रॉफिट होगा तभी बढ़ती हैं सारी चीजें, लॉस के केस में तो बढ़ती नहीं है प्रोपोर्शनल प्रॉफिट में चीजें। डोंट वरी, अभी आगे हम कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, वहां इसका भी आपको रहस्य बताऊंगी कि लॉस अगर होगा डेबिट साइड में तो क्या होगा उसका, वो बटेगा, मतलब पार्टनर्स को चीजें मिलेंगे नहीं मिलेंगी, तो कैसे होगा क्वेश्चन, उसका भी हम जरूर डिस्कशन करेंगे। ओके,
सो टिल देन आज की क्लास यही हम लोग अपना एंड करते हैं, टिल ओवर हेयर ओनली, फाइन। तो यहाँ से हमने अपनी क्लास एंड करी है आज, मैंने आपको डिस्कस करा, बताया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। स्टूडेंट एज यू नो इट इज योर 12th, सो प्लीज डू हार्ड वर्क, इसको पढ़िए, रिस्पॉन्स करिए। कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप अपने कमेंट सेक्शन में प्रॉब्लम्स लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं मुझसे आप ये सारी अपनी दिक्कतें जो भी हैं। सो प्लीज डू स्टडी इट एंड जो भी अपनी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में करिए, बताइए मुझे, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकूँ, उसको सोल्यूशन दे पाऊँ, ठीक। एंड उसके बाद अब कल हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जहाँ पर मैं आपको न्यूमेरिकल्स डिस्कस करूँगी पीनल प्रोपोर्शन अकाउंट के, कि जो हमने फॉर्मेट पढ़ा है उसको हम कैसे कवर करेंगे, कैसे क्वेश्चन की फॉर्म में उसको लेके आएंगे, और भी कुछ एक टॉपिक में शायद डिस्कस करूँगी आपसे। तो चलिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू वर्क हार्ड एंड स्टडी इट, और प्लीज़ वीडियो को देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को एंड लाइक भी करिए, ओके।